दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं कोई टिप्स वाले वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मैम मेरा ये जो इंस्टाग्राम वाला टिप्स वाला आपने जो वीडियो बनाया था मेरा, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज़ इस पे वीडियो बनाइए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। तो चलिए आज मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ। मैंने दो वीडियो इस पे बनाए हुए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो चलिए आज फिर से वो आपको क्लियर कर देते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपने अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। यहाँ जी प्रीति मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जी प्रीति 1988 प्रीति गुप्ता के नाम से है, जहाँ पर 3,000 के करीब अभी फॉलोअर होने जा रहे हैं और 4,45,000 अकाउंट रीच है। तो यहाँ पर भी मैं अपडेट रहती हूँ, यहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना आप लोग। चलिए मैं काम की बात आप लोगों को बताती हूँ। ये वीडियो है, यो है इंस्टाग्राम में क्वेश्चनिंग आंसरिंग स्टेटस में जो करते हैं वो कैसे करते हैं, उसका रिस्पांस कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बहुत ही इजी है। सबसे पहले प्लस के आइकन में आपको जाना है, स्टोरी आपको क्रिएट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी फ़ोटो ले लेनी है, कोई भी फ़ोटो आप ले सकते हो, आप जो भी मर्जी चाहे अपनी अच्छी फ़ोटो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी एक फ़ोटो ले ले रही हूँ। आप इसे आप चेंज कर सकते हो थीम वगैरह, जैसे मैंने इसका थीम चेंज कर दिया। आप देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको यहाँ पर ऑप्शन है। अब यहाँ ऑप्शन में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर, देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। ये देखिए लोकेशन मेंशन ऐड योर्स क्वेश्चंस, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का भी ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर आपको क्लिक करना है और ये देखिए आ गया। यहाँ पर आपको जाकर इसे छोटा बड़ा या फिर रोल आउट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से छोटा बड़ा करने का ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपको कहाँ पे लगाना है वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप कोई भी स्टिकर लगाना चाहे तो लगा सकते हो। जैसे मुझे क्वेश्चन का स्टिकर लगाना है तो आप क्वेश्चन का लगा सकते हो, आपको फॉलो का लगाना है तो फॉलो का लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बहुत ही इजी है। उसके बाद आपको शेयर के बटन में करना है। जिस तरीके से शेयर करोगे आप, फेसबुक को आपने अगर लिंकअप किया हुआ है तो ये फेसबुक पेज पे भी जाकर शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो एक स्टोरी है क्वेश्चन आंसर का, वो मेरा जो है वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको शेयर के बटन पर जाकर शेयर कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मेरी स्टोरी जो है वो शेयर हो चुकी है। अब जिस तरीके से जो लोग मुझे सवाल करेंगे उसका रिस्पांस कहाँ से देखेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वही ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। यहाँ पर देखिए एक बंदे ने देख लिया है, ये देखिए एक बंदे ने देख लिया। यहाँ नीचे आपको देखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तीन बंदे ने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है ना, आपने कहा शो नहीं हो रहा है, तो शो कहाँ से नहीं हो रहा है मैं फिर से आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। या आपकी स्टोरी, स्टोरी के नीचे देखिए आप जाओगे तीन बंदे ने देखा, यहाँ पे जाकर आपको देखना है तीन बंदे ने देखा, एक ने सवाल किया कैसे हो आप, ठीक है। अब इसका रिस्पांस हम इसी तरीके से देंगे, यहाँ पे जाकर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर जाकर रिप्लाई आपको कहाँ पर देना है, तो देखिए शेयर रिस्पॉन्स डिलीट रिस्पॉन्स। अगर कोई ऐसा ख़राब क्वेश्चन आता है आप डिलीट कर सकते हो, अगर आपको शेयर करना है शेयर कर सकते हो। शेयर आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो, और या फिर किसी तरीके का कोई भी स्टिकर या फिर कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा लगाना नहीं है, तो मैं यहाँ देख लेती हूँ पहले मैं कैसे शेयर करूँगी। फिर से शेयर में जाएंगे, क्रिएट करके भी आप कोई सा भी कलर ले सकते हो और सिंपली लिख सकते हो मैं ठीक हूँ, या फिर यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, कैसे भी आपको यहाँ पे शेयर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, सिंपल है। इनका क्वेश्चन कैसे हुआ यहाँ लिखना है, अभी थोड़ी ठीक ठीक है। अब यहाँ पे जाना है, तो देखिए ये मैंने लिख दिया अभी थोड़ी ठीक हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी ठीक हूँ, ऐसे आप लिख देते हो। और कोई भी स्टिकर आपको
देना हो तो लिख सकते हो, जैसे थैंक यू लिखना है आपको क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आप थैंक यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे थैंक यू लिख सक, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, कुछ और भी थैंक यू का लिख सकते हो आप, जैसे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप देखिए इसको आपको शेयर कर देना है। इतना इजी तरीका मैं बताती हूँ आप लोगों को। फेसबुक का आप ऑप्शन डोंट शेयर भी कर सकते हो, चला गया ये, शेयर कर सकते हो, डन। अब देखिए इनका मैंने रिप्लाई दे दिया, एक रिप्लाई मैंने दे दिया है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा मैं उसका रिस्पॉन्स देती जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो आंसर था वो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन आंसर, यहाँ यहाँ पे कितने लोगों ने देखा और यहाँ मेरा आंसर। ठीक है, मैं फिर से दिखाती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, अब देखिए रिप्लाई कर दिया तो उनका क्वेश्चन फिर नहीं दिखेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो बस यही आपको करना है। तो उम्मीद करूँगी आज का वीडियो भी आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है, रिस्पॉन्स करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को नए नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।